मेरा फोन आया। हेलो, क्या कितने लोग आ रहे हैं? 3? कितने बजे तक? अरे तो पहले नहीं बताइए, लोग ऐसे कैसे लोग हैं? ऐसे लास्ट मोमेंट पे कोई किसी के घर पे फोन करके बताता है क्या? हाँ, वो बोल दिए कि नहीं खाएंगे खाना और आप मान लिए। दोपहर को क्यों आ रहे हैं तब? खाना नहीं खाएंगे तो भगवान, एक दिन 10 मिनट शांति से नहीं रह सकती औरत अपने घर। आपको क्या है, आप तो वहां पे, घर पे तो मैं हूँ। चलू इतने गर्मी में अभी पिघलू वहां पे मोमबत्ती बन के? रखिए, आप मेरा दिमाग पर खराब कीजिए। ये गर्मियों में मेहमान, ठंडियों में आइए, बारिशों में आइए, पकौड़े तल के खिला देंगे आपको गर्मियों में। सोच रही थी आज खिचड़ी बना के थोड़ा आराम करूंगी। बेडरूम देख रहे हो या नालायक का, ऐसे कपड़े निकाल के फेंक किए बाहर। सुअर, आपको मैं बता रही हूँ, मेरे घर में सुअर तक नहीं आएगा उस बेडरूम में। ऐसा कोई बोलता है अपने बच्चों के बारे में? ये लोग बड़े हो गए, कह रहे हैं हमें मम्मी अपना अपना बेडरूम चाहिए। इनको, ये नालायकों को उनका इनका बेडरूम, एक इनको इनका कपाट दे दिया है, वो तो इनसे नहीं मैनेज हो रहा है। मेहमान आने वाले तो हम पे क्यों गुस्सा निकालते हैं मम्मी लोग? 2 टी-शर्टों में गांठ बन गई है, ऐसे रखा है इसने। चलो 56 भोग बनाओ इनके लिए। हमारा, हाँ जाओ नीचे जाके आधा किलो पनीर लेके आओ। पनीर लेने मैं क्यों जाऊँ? क्यों मतलब क्या, मेहमान आ रहे हैं बेटा, इसलिए पनीर खिलाएंगे ना उनको। अरे जाओ जल्दी। यार क्या यार, आज के दिन क्या यार। नहीं नहीं नहीं, आप सोच रहे हैं केवल पनीर बनेगा, ऐसे थोड़ी, दाल चढ़ाने जा रही हूँ। ये भगवान, अब मैं सोच रही थी आराम से, आज छुट्टी का दिन है, कल जाके राशन भरवा लूंगी डीमार्ट में, पर नहीं, इसी चक्कर में कल सब्जी भी लेने नहीं गई। देखो टमाटर, 3 टमाटर में हो जाएगा क्या? धनिया की पत्ती भी नहीं है। ओहो, रुको, चली गई क्या? इधर आओ, ठंडा एक बोतल ले लेना, बड़ा वाला। कौन सा ठंडा? कोई भी ले लेना, मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी से। वो माजा ले लेना, मुझे अच्छा लगता है। इनको पसंद है माजा तो भी माजा ही है। टमाटर ले लेना 1 किलो, टमाटर नहीं, धनिया का पत्ती ले लेना, पनीर बोली थी ना। हाँ, दूध ले लो 1 लीटर। धीरे धीरे बोलो, मुझे याद नहीं रह रहा है, रुक जाओ। एक और चीज नहीं थी, कॉफी भी ले लो। कॉफी क्यों? कॉफी बोल दिए तो, आजकल भाई मेहमानों को बड़ा वैरायटी में पूछना पड़ता है कि चाय लेंगे कॉफी लेंगे। बहुत लोग ग्रीन टी पीते हैं आजकल, ग्रीन टी मंगवा के रखे हैं हम। ये घोड़ी लाई थी अपने लिए ग्रीन टी, एक भी बार पी नहीं है। 100 नखरे करती है ग्रीन टी पीने से पहले। कभी बोलेगी मम्मी इसमें हनी डाल दीजिए, हनी डालेंगे तुम्हारे मुंह में ऐसा डंडा डाल देंगे ना। कभी उसमें बोलेगी कि इसमें थोड़ा जैगरी डाल दीजिए, जैगरी और हनी पिएंगे इन लोग आजकल। भैंस जैसा मुंह। ये नहीं, घर का थोड़ा काम कर ले तो उसी से थोड़ा वेट लॉस हो जाएगा ना। घर पे बैठ बैठ के खाएंगे और फिर जाके जिम में पैसे फूक के आएंगे, और जिम जाएंगे भी नहीं 3 दिन से ज्यादा। बोल देंगे लेग डे मार लिया था, आज लेग नहीं उठ रहा है, वही लेग तोड़ देंगे डंडे से एक दिन तुम्हारा। जाओ, मैं जाओ, जल्दी सामान लेके आओ पहले, और घर थोड़ा साफ सफाई करो। अपना रूम तो तुम ताला मार के चाबी फेंक दो नीचे, रखी रहो ऐसे, और न सुअर न कुत्ता कोई नहीं आएगा तुम्हारे रूम में। अब मेहमान आ रहे हैं, चलो वैसे ही ठूस दो सब अंदर जैसे बाहर रखा था। ये बच्चे इतना नहीं देखे, अब मेहमान आएंगे ना तो चल के अपना रूम साफ करेगी। अरे डेली इंसान अपने लिए रूम साफ सफाई रखता है, मेहमान उमान के लिए नहीं घर साफ किया जाता है ना, वो एक्स्ट्रा साफ सफाई होती है बाद में। ये घोड़े घोड़े पर के हो गए ये 2 बच्चे, एक वो है नालायक, वो दिन भर बाहर क्रिकेट खेलता रहता है, इतना काला हो गया। आप ऐसा कर लीजिए, रंग छोड़ देगा वो, कितना गोरा था बचपन में, क्रिकेट खेल खेल के अब उसका मुंह देखने लायक नहीं। ऐसा ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी औलाद है ये, और ये नालायक, ये दिन भर हो गया आपका। आपको भड़कना है मुझ पे या सामान मंगवाना है? जाओ नीचे सामान लेके आओ। मेरा अचानक से ना बीपी हाई हो जाता है, इतनी गर्मी हो रही है। इनको बोला था ये ठीक करा दीजिए, एग्जॉस्ट नहीं, उनको क्या है, वो तो बाहर पड़े। हम चले अभी, सभी हो जाए किचन में। दाल कहाँ रखी है? दाल चढ़ा दूँ पहले। क्या है, लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ। क्या है, प्याज की चॉपिंग कर रही हूँ, सब्जी बनाने के लिए, दाल फ्राई करने के लिए। नहीं, आप सोच रहे ना बिना देखे आंटी कैसे काट रही हैं। आंटियों को ना इस वक्त तक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो जाता है। ये मास्टर शेफ क्या सिखाएंगे आप लोगों जो हम सिखा। हॉल्ड इट, नमक लग गया। अरे वो फैन ऑफ कर दो ना, आवाज आ रही। ऑन रहे फैन, गर्मी में इतना खाना बना तो चलो उसी से काम चलाओ। वीडियो में फैन ऑफ करके खाना बनाए, किचन में फैन ऑफ करके वीडियो शूट करें गर्मी में। 3 सीटी आई, गैस बंद कर देना।
गरम मसाला बोला था तो ये छोले मसाले क्यों लेके आई? ये तो छोले और गरम मसाला एक ही होता है, दोनों में इंग्रेडिएंट्स एक ही होते हैं। अच्छा तुमको ज्यादा पता है कि दोनों में एक ही मसाला है? कितना पीसती हो तुम, हाँ कितना खाना बनाती हो, कितना पता है तुमको खाना बनाने के बारे में? वहाँ पे दुकान पे नहीं था गरम मसाला मम्मी, अब मैं क्या करूँ? तो फोन क्यों नहीं की कि मम्मी नहीं मिल रहा है गरम मसाला? अपने मन से कुछ भी उठा लोगी तुम? मैं फोन नहीं लेके गई थी अभी। पनीर की सब्जी में मैं छोले मसाले डालूं? हाँ सांभर में पाव भाजी मसाला डाल के बना दूं चलेगा? पाव भाजी और सांभर कुछ भी, मतलब क्या लॉजिक है? नहीं ना तब, अरे अब लॉजिक समझो ना मसाला। ज्यादा होशियारी मत क्या करूं बेटा, पेरेंट्स हम हैं, चिल्ड्रन तुम हो, पेरेंट्स बनने की कोशिश मत करो। मैगी नहीं बना पाती है, उसमें पानी ज्यादा डाल देती है, और मुझे सिखा रही है कि छोले और गरम मसाला एक ही होता है, सेम इंग्रेडिएंट्स। यार ये मेहमान आते हैं ना तो आप अलग ही लेवल पे चिढ़ी हुई होती हो, मत बुलाया करो मेहमानों को ऐसा है तो। चप्पल मारो मुंह सीधा हो जाएगा, बदतमीजी करना नहीं मेहमानों के सामने। चुपचाप सामने आके सबके पैर छू लेना एक ही बार में, हाँ एक ही बार में, और बाल अच्छे से कंघी करो। खड़ी होके मेरा मुंह क्यों देख रही हो बेटा? सलाद काटने बोला है ना तुमको, जाओ काटो गोल गोल, ककड़ी छील के गोल गोल अच्छे से काटो, टमाटर भी प्याज भी सब गोल गोल कटा होना चाहिए, और नींबू काट दो। गेस्ट भी ना, इन लोग को आज ही आना था, जिसमें मैं कॉलेज जाती हूँ उसे नहीं आते, जिसमें घर है उसे आता है। इसके पापा को तो आज मैं बोलिए पूड़ी नहीं तो बैठ के इनके लिए चांद तारे बना दूंगी। अभी मैं इतने गर्मी में पूड़ी बनवा रहे हैं, इतने गर्मी में कौन पूड़ी खाता है? हाँ तो पनीर के साथ रोटी भी अच्छी लगती है। अगर आपको इतना शौक है पूड़ी खिलाने का, देखिए आप आ जाइए आधा घंटे का छुट्टी लेके जल्दी पहले घर पे, और पूड़ी तल दीजिए ठीक है? नहीं तो आपको किसने बोला मैं पापड़ तलूंगी? मैं पापड़ सेकूंगी, सेका हुआ पापड़ दूंगी मैं। रायता बना दो, चटनी बना दो, मीठी चटनी बना दो, ये कर दो वो कर दो, रिश्ता लग रहा है क्या आपका वापस से? हाँ तो एक काम करिए आप दूसरी ले आइए, बैठ के वो खाना बनाए आपके मेहमानों के लिए, हमसे नहीं होगा इतने गर्मी में। पूड़ी पूड़ी खिलवाएंगे, ये बैठे बैठे पसीना हो रहा है देखिए इतना, ये नाला छोले मसाले लेके आई है। अब नया ट्रे निकालो, नए कप निकालो, नया ग्लास निकालो। अब बाई तो चली गई सुबह, अब ये सब मैं धोऊं, इतने दिन से रखा था ना, धोना तो पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते, अरे प्रणाम। आप भी बैठिए बैठिए, लेट हो गया ना आते आते, हम तो कब से तैयार थे। इतने दिनों बाद भैया आई तो सही आप लोग, नहीं तो आप लोग तो आ ही नहीं रहे थे। नहीं नहीं आप लोग आ ही नहीं रहे थे तो हम ही लोग आ गए। मैं तो इसके पापा को पूछ पूछ के परेशान हो गई, हमें लगा नाराज वाराज है, आप आ ही नहीं रहे। नहीं परेशानी हो जाती है ना अभी अभी, मौसम भी तो देखिए। नहीं तो पिछले साल भी तो आए थे ना मुंबई। हाँ कोई नहीं, चलो अच्छा है बढ़िया है, इस बार आए तो घर आए तो, नहीं तो इस बार अगर आप लोग नहीं आते ना तो मैं पक्के से नाराज हो जाती फिर। अरे ऐसी बात नहीं, नाराज होते ही। आप दोनों ही आए, गुड़िया नहीं आई? गुड़िया ना हाँ उसका एग्जाम चल रहा है ना, तो अभी बैक टू बैक टेस्ट बहुत चल रहा है, उसका आ नहीं पाई, उसका मन बहुत था। बताइए ये तो फोन करके बोले तीनों आ रहे हैं, हम तो इतने खुश हुए कि भाई चलो फाइनली गुड़िया से मिल तो पाएंगे, इतना कितना साल हो गया। पिछले साल ही तो मिली थी। अच्छा हाँ हाँ लास्ट ईयर मिली थी, याद नहीं रहता है, दिन पे दिन बूढ़े होते जा रहे, कहाँ आप में मेरी में। आपके दोनों बच्चे वो हैं कि उनका भी तो एग्जाम चल रहा होगा? हाँ हाँ है, वो अपने रूम में ही पढ़ाई कर रही है, लड़का बाहर गया है कोचिंग के लिए। अच्छा बाहर, हाँ कोचिंग भी तो आजकल सैटरडे संडे हमेशा चलते रहते। नेहा अरे पढ़ने दीजिए कोई बात नहीं। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अरे बड़ी हो गई। हाँ ठीक है जाओ, लंच के लिए बुलाऊंगी फिर। चलिए अच्छा आप लोग छुट्टी के दिन आए, अब दो दिन से आ रहे नहीं, अभी तो बस अभी शाम को निकलना है, वापसी की टिकट है ना कल की, तो भैया के यहाँ पे भी जाएंगे थोड़ा। ऐसे कैसे चले जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, क्या मुंह दिखाई के लिए आई हैं आप? इससे अच्छा आती नहीं फिर रहने देती। मुंह दिखाई की क्या बात कर रही हैं आप, ऐसे थोड़ी होता। अरे नहीं 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 अरे इतना आप एक तो इतने इतने साल में एक बार आओ, उसमें भी बस ऐसे ही मिलने जुलने के लिए थोड़ी होता। नहीं तो अब बस अब हम आ गए, अब आप लोग की बारी है, अब आप लोग आइएगा। फ्रेश हो जाइए आप लोग, तब तक मैं चाय चढ़ाती हूँ। नहीं नहीं इतने गर्मी में चाय नहीं पी। अरे गर्मी में क्या हुआ, चाय तो बनती है। ठंडा चलेगा? ठंडा ले लीजिए, पर थोड़ी थोड़ी चाय है, थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ आधा आधा कप। चाय पीने से जो फ्रेशनेस फील होती है ना, वो ठंडा उंडा पीने से उतनी नहीं लगती मुझे तो ऐसा लगता है। कॉफी पियेंगी? ये ले लेते हैं कॉफी, हमारे पास ग्रीन टी भी है। नहीं ग्रीन टी का टेस्ट नहीं, मुझे भी उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर रखते हैं कभी कभी, क्या ये पीती है ना कभी कभी ग्रीन टी। कॉफी बना दूं भाई साहब आपके लिए? अच्छा कोई बात नहीं, ठंडा ले आते हैं। ठंडा पियेंगे, किधर गई ग्लास, इतने गर्मी में कॉफी पिएगा पागल। अच्छा है, अब अपने को उठना पड़ेगा, कॉफी मंगवाई तो थी कहाँ गई।
पूछिए मत, मत पूछिए, बड़ा गुस्सा आ रहा है। नहीं जैसे गेस्ट आवे पर गर्मी है ना, वैसे ही दिमाग खराब रहता है गर्मी में। उसमें अब देखिए दुपट्टा उड़ के खड़ा रहना पड़ेगा। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना भी लगा ही देती हूँ। मैं तो सोच रही थी कि पूरी बना दूँ, सब्जी के साथ वो पूरी अच्छी लगती है ना। पूरी पूरी, अरे बाप रे, इतने गर्मी में पूरी तो बिल्कुल नहीं जाएगी अंदर। पूरी नहीं, पूरी नहीं। ऑयली और फ्राई, ज्यादा मसाला खा के पेट भी तो खराब हो जाता है ना। हाँ, वो इनडाइजेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। अभी इनको ही तो जुलाब लग गया था ना पिछले महीने। आप पराठा खाएंगे भाई साहब, तो पराठा भी बना देते हैं। पराठा नहीं, नहीं पराठा नहीं, पराठा नहीं रोजी, ठीक है पराठा नहीं खाएंगे, उनका पेट, उनको जुलाब लग जाएगा। अरे दिक्कत क्या है उसमें, कौन सी दिक्कत की बात है। अच्छा एक रोटी और ले बहन जी, आप तो खा ही नहीं रही है। एक रोटी, एक रोटी और। नहीं रोटी नहीं, मैं चावल खाऊंगी। अच्छा मैं तो भूल ही गई, आपको चावल ज्यादा पसंद है। हाँ चावल ही पसंद है। पनीर तो लिया ही नहीं आपने बहन जी, पनीर तो थोड़ा ले लिया। अरे नहीं नहीं पनीर तो है, अभी खत्म हो गया। कहाँ है देखिए, खत्म हो गया। थोड़ा सा पनीर, अच्छा नहीं बनाए क्या? अरे अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। इससे अच्छा तो मैंने खाया भी नहीं है पनीर। अरे थैंक यू। अभी तो मीठा बाकी है। मीठा बैठा नहीं, आप इतना परेशान में तो ये देखिए फिर अच्छे अच्छा नहीं लगता। बताइए। नहीं नहीं डरिए मत, मैंने नहीं बनाया, बाहर से मंगवा लिया। नहीं अच्छा क्या बाहर से मंगवा लिया, आप इतना क्यों परेशान। आइसक्रीम भी है। आप भी बैठिए ना साथ में। नहीं मैं बाद में खा लूंगी, मैं अभी नहीं, अभी तो मुझे बिल्कुल भूख, मेरा टाइम ही ये नहीं होता है ना। मैं वो 11:30 बजे अपना थोड़ा फ्रूट्स खा लेती हूँ और फिर आराम से 2 बजे तक लंच करती हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी आप लोग खा लीजिए, फिर मैं खाऊंगी आराम से, ऐसी कोई बात नहीं। और अभी आप लोग के साथ चाय पी मैंने ना, तो मुझे थोड़ा गर्मी में मैं सोचती हूँ कम ही खाऊं तो बेटर है। सही कह रही हैं आप, खा लीजिए फिर मैं आम काट देती हूँ। आम, अरे कल रात से भिगा के रखा था मैंने और थोड़ा फ्रिज में भी रख दिया, तो ठंडा ठंडा लगता है ना, तो खाने में अच्छा लगता है। आम काट देती हूँ। नहीं नहीं वो डिशेस मत। अरे नहीं मैं प्लेट रख देती हूँ। अरे नहीं मैं, अरे मैं रख देती हूँ प्लेट में। हाँ ब्रेक हो गया ना, थोड़ा ही प्लेट में हटा दो। हटा रही हूँ। उसको क्यों परेशान कर रही है बेचारी। नहीं मैं हटा दूंगी, तुम्हारा लंच दे दूँ, मुझे रूम में ही खाना दे दो। रूम में मैं दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा वही खाएगी क्या रूम में? उसको खाना दे देती हूँ, वो खा के अपना सोएगी, थोड़ा आराम करेगी ना उसको, शाम को ऑफिस क्लासेस वगैरह में उसको टेस्ट वेस्ट रहता है। अच्छा आजकल सैटरडे संडे कुछ नहीं देखते लोग, टेस्ट टेस्ट करते रहते। नहीं नहीं एग्जाम का तो बाप रे, स्कूल कॉलेज वाले परेशान करके रख देते हैं बच्चों को। पर अच्छा उसी बहाने बच्चे प्रिपेयर हो जा रहे हैं। चलिए नमस्ते। नहीं बहन जी ये कोई बात होती है, ऐसे ही अभी आई अभी चली जा रही है अभी। अरे ऐसा डिनर करके जाते कम से कम भाई साहब, नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता ना आप लोग। अब आप आना, नहीं तो हम भी अब आपके घर ऐसे ही आएंगे 2-3 घंटों के लिए आएंगे। नहीं तो कम से कम एक दिन तो रुक के जाते ना, तो हमें भी लगता भाई यहाँ घर पे कोई आया है, कुछ घंटों के लिए आई, उसमें क्या चाय पानी में ही चला गया। इतनी खातिरदारी इतने अच्छे से तो किया सब। नहीं आप रहने दीजिए, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। अगली बार अच्छे से आएंगे, आइएगा फिर से, जरूर आइएगा, ठीक है। बिल्कुल मन नहीं मान रहा है आपको ऐसे जाने देने का, समझती हूँ टाइम वगैरह का तो। ओके बाय। चलिए। अरे भगवान जा ही नहीं रहे थे भाई, मुझे तो लगा रात का खाना खा के ही जाएंगे, पैर कट गए मर गए। मैं बता रही हूँ मैं बाहर से मंगवा देती, मेरे में हिम्मत नहीं है भाई, मेरी बीपी ड्रॉप हो गई इतना गर्मी में। शाम की चाय पी के, अरे बाप रे तो बच्चे भी इतने नालायक है ना, पैर नहीं दबा देंगे माँ का कि पैर दुख रहा है माँ। खड़े खड़े मानो हालत खराब हो गई आज तो, कहाँ सोचा था आज आराम करूंगी, आज तो डबल काम करना पड़ गया। दोपहर में भी थोड़ा सा सोती थी, आधा घंटा सोती थी, ज्यादा तो नहीं, आज तो वो भी नहीं मिला। अब जा रही हूँ अपने रूम में, एसी चला के थोड़ा सो जाऊंगी, अब कोई आया ना बीच में तो भगवान बचाए उसको।